ड्रग कंसेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर अप किया था, जैसे सीमैक्स, टीमैक्स, एयूसी, एमएससी, एमईसी, थेरापेटिक इंडेक्स एंड अलॉट मोर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमारे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन्वॉल्व्ड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल केयरवेल क्लासेस में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि किस गति से, किस वेलोसिटी से आपका एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से किसी दुकान तक जाते हो तो उस दुकान तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगा, वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से जाओगे। उस टाइम को हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। एंड आप जिस भी मीडियम के थ्रू जाओगे वो किसी ना किसी तरीके की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेगा या कंसंट्रेशन को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैदल जाओगे तो आपको 2 मिनट लगेंगे, अगर आप स्कूटी से या बाइक से जाओगे तो आपको वही टाइम, 2 मिनट का टाइम बच के 30 सेकेंड का या 1 मिनट का हो जाएगा। तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आपकी वेलोसिटी पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पर आपकी स्कूटी या फिर आपका कोई मोटर व्हीकल। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि वो एक ड्रग कंसंट्रेशन आपका जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन की वेलोसिटी है, उस पर कुछ ना कुछ असर कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। या तो आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा या तो आपके रिएक्शन के रेट को घटाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक एक ड्रग ले लेते हैं, वो कन्वर्ट हो रही है बी में, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में रेट क्या हो सकता है। रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, चेंज और डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अर्थात कि जो ए की कंसंट्रेशन है, मतलब जितना अमाउंट है या कंसंट्रेशन है ए का, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें या इलस्ट्रेट करें, तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, दैट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी। अब ये डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है, डी ए बाई डी टी का मतलब यहाँ पे है हमने डिफरेंशिएशन कर दी। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिफरेंशिएशन किसी भी चीज की इसलिए करी जाती है ताकि हमें उसकी कंसंट्रेशन के बारे में पता कर सके, इनिशियल और फाइनल, ताकि हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन, काफी जानकारी मिले। वैसे यहाँ पर माइनस डी ए बाई डी टी, अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है ए की, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ घट रही है। क्यों, क्योंकि ए जो है हमारा, वो इनिशियल प्रोडक्ट, जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है या फिर आई विल से इनिशियल रिएक्टेंट है, जो कि बी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहीं पे जैसे माइनस डी ए बाई डी टी है, वैसे ही बी की एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जो कि होगा डी बी बाई डी टी। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं है क्योंकि बी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। वैसे ही अगर हम देखें माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डी बी बाई डी टी है कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो बी की कंसंट्रेशन होगी। अब कंसंट्रेशन को किस तरीके से पता करेंगे, मान लीजिए हमने एक कंसंट्रेशन, वो किस तरीके से पता होगी, दैट विल बी डी सी बाई डी टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो इक्वल टू होगी माइनस के सी पावर एन। अब यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का मतलब क्या है, dc by dt का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के हमारे पास रेट कांस्टेंट है, मतलब कोई एक रेट कांस्टेंट है, जैसे कि हम काफी एवोगाड्रो नंबर ले लिया जो कि कांस्टेंट रहता है, वैसे यहाँ पे के जो है वो एक कांस्टेंट है, और n हमारा इंडिकेट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, c इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन को और n डिनोट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो वहीं पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो तीन में डिवाइडेड है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, या हम इन्हें रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जीरो ऑर्डर जब जो हमारी n की वैल्यू है वो होगी 0, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब हमारी n की वैल्यू होगी 1, और मिक्स्ड ऑर्डर का मतलब है कि हमारी जो n की वैल्यू है वो आइदर 1 आइदर 0 वेरी कर सकती है, और इसे ही हम नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, जिसे हम अलग कांसेप्ट में, अलग वीडियोस में एक्सप्लेन आउट करेंगे। तो चलिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पहले समझते हैं।
अगर हम इस इक्वेशन को ले dc by dt is equal to minus kc n, अगर हम इसमें n की वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जहां पे हमने k पे भी 0 का साइन दे दिया है और c पे भी एक 0 का साइन दे दिया है। ये 0 का साइन इंडिकेट कर रहा है हमारे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करें, अगर रीअरेंजमेंट में हमें बेसिकली कंसंट्रेशन निकालनी है यहाँ पे, तो हम dc इज इक्वल टू माइनस के जीरो dt, तो हमारे पास ये आ गई रीअरेंज करके। अब अगर हम इसको फर्दर सिर्फ कंसंट्रेशन को निकालते हैं और एक्सपोनेंट्स को लेते हैं तो हम उन्हें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमें इनिशियल और फाइनल में एक लिमिट होती है, उसको सेट आउट करना और उसे रीड आउट करना, उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। मतलब कि इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन को डिटर्मिनेशन या उनके बीच का जो प्रोसेस है उनकी उनको डिटरमाइन करना, तो होगा सी जो कि होगी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस सी नॉट जो कि होगी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस के जीरो टी। टी यहाँ इंडिकेट करेगा टाइम को। वहीं पे जो हमारा फॉर्मूला है अगर हम इसे रीअरेंज करके करें तो वो होगा कंसंट्रेशन जो कि फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इक्वलेंट होगी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रेट कॉन्स्टेंट इंटू टाइम। तो ये आपका होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का। अब इसी इक्वेशन से हमें कई सारी चीजें पता लगेगी इन दो इक्वेशन से। सबसे पहली चीज हमें क्या पता लगती है कि जो हमारा रेट है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड, यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टेंट अमाउंट ड्रग का एलिमिनेट हुआ जाता है। मतलब कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए 100 mg ड्रग ली है तो 20-20 मिनट के इंटरवल पे आपकी एक पर्टिकुलर 5 mg ड्रग ही एलिमिनेट होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो उससे हमारे रिएक्शन पे कोई भी असर नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्टेंट जो है वो लीनियरली डिक्रीज होते हैं, मतलब एक कॉन्स्टेंट रेट से डिक्रीज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास दो ग्राफ्स है, अगर आपकी स्क्रीन के आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ये एलिमिनेशन का है जो कि डिटरमाइन कर रहा है, शो कर रहा है हमें कि कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ड्रग की एलिमिनेट हो रही है, और वहीं पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दिखाई जा रही है कि वो कितनी लीनियरली मतलब डाउन द स्लोप हमारे पास डिक्रीज हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे वो होता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ मतलब कि हमारी बॉडी में वो एक पर्टिकुलर ड्रग कितनी हाफ हो चुकी है, मान लो 100 mg ली है तो वो 50 mg तक होने में उसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ। तो अगर हम हाफ लाइफ को डिटरमाइन करेंगे अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो हमें सबसे पहले कंसंट्रेशन को लेना पड़ेगा। तो हमने यही फॉर्मूला लिया, इसमें हमने C0 by 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ लाइफ लिया और फर्दर टी हाफ को निकाला बाय रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास जो टी हाफ आता है वो होता है 0.5 C0/K, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट। अब इससे हमें ये डिटर्मिनेशन मिल रही है कि हाफ लाइफ जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट, मतलब कि वो प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा आपकी हाफ लाइफ होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सिमिलरली जैसे हमने पिछले प्रीवियसली हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में किया था, वैसे ही हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेके करेंगे उसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पे जीरो का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो 1 को हम रखेंगे यहाँ पर। रीअरेंजमेंट करके हमारे पास dc by c is equal to minus k into dt और हमारे पास आ जाएगा 1n जो कि हमने इंटीग्रेशन करके आया यहाँ पर, जिसकी इसकी लॉगरिथम वैल्यू भी होती है, that will be log c, that will be 1n c is equal to 1n c naught minus kt। ये 1n क्या डिनेट करे कि ये log values भी हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारे पास मोनो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल या फिर इसे हम लॉगरिथमिक log values भी बोलते हैं। अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मतलब है कि जो हमारे सिर्फ हमने एक्सपोनेंट्स जैसे कि कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंट को शो कर रही है, एक पर्टिकुलर चीज को शो कर रही है जो कि हमारे रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, वही चीजों को हम यहाँ पर अगर लिखे तो हमारे पास ये चीजें आ जाती है। तो ये होगा आपका कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन
ई पावर माइनस के टी, ई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स को डिटरमाइन कर रहा है। तो अब इन्हीं दो जो हमारे पास इक्वेशंस है, इन दो इक्वेशंस को लेके कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो रेट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो C इज इक्वल टू सी नॉट ई माइनस के टी, और हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कॉन्स्टेंट क्या एलिमिनेट हो रहा था हमारे पास, अमाउंट ड्रग का, यहाँ पे फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है, मतलब 1% 2% ड्रग ही एलिमिनेट होगी, वहां पर 10 mg ड्रग ही एलिमिनेट होती थी, मतलब कि वहां पे वैल्यू हमारे पास थी कि हाँ इतना अमाउंट होगा, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है परसेंटेज में। नेक्स्ट है, इसे हम मोनो एक्सपोनेंशियल रेट प्रोसेस भी बोलते हैं, और इसमें जो हमारे पास हाफ लाइफ रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ का कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रही है वो हमारी कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रही है। क्या हो रही है? कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रही है। सो आई होप आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन डिटेल हो गया होगा क्लियर। अगर हम इसे थोड़ा समराइज वे में लिखे तो जीरो ऑर्डर वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको टर्म्स लिखी है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जीपैट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अगर हम समराइज वे में बोले तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कॉन्स्टेंट अमाउंट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेशन एलिमिनेट हो रही है। नेक्स्ट है, जीरो ऑर्डर में एलिमिनेशन रेट है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, और वहीं पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एलिमिनेशन रेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पे अगर मैं क्लियरेंस की बात करूं, अगर एलिमिनेशन रेट इंडिपेंडेंट है तो क्लियरेंस वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वहीं पे क्लियरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूं तो जो हाफ लाइफ है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि हमारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, जिनकी हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। व्हाट हैज जीरो पोटेंशियल, व्हाट, हमारे पास एक पुराना हमारे पास एक टैक्स सिस्टम होता था जिसको हटा के जीएसटी आ गया, तो उसी से एक ट्रिक है। वैट से हमारे पास आ जाती है वॉरफेरिन, अल्कोहल, एस्पिरिन, थियोफाइलिन, टोलब्यूटामाइड, और पोटेंशियल के पी से फेनिटोइन। ये कुछ ड्रग्स है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और हमारे पास कुछ ड्रग्स जो कि हम आईवी इन्फ्यूजन मेथड से देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन और आईवी बोलस, अगर आपको डिफरेंस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे इम्प्लांट्स हो गए या फिर कोई भी ऑस्मेटिक पंप्स हो गए, ये हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कंपोनेंट्स आते हैं जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। वहीं पे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूं तो 90% ड्रग्स जो है हमारी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये वीडियो थी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इन डिटेल समझने में। मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स होगी नॉन लिनियर, जिसको हम इन डिटेल एक अलग वीडियो में बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ईजी और अच्छी लगी होगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन जय हिंद एंड बाय।